30 जनवरी 1948, जब गांधी जी की हत्या हुई। नेहरू जी की भाषण के कुछ अंश। साथियों, हमारे जीवन का दिया बुझ गया है, हर जगह अंधेरा ही महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ। हमारे प्यारे नेता, हम सभी के राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। अब हम मुसीबतों में सलाह के लिए उनके पास दौड़ के नहीं जा सकते। यह न केवल मेरे लिए बल्कि इस देश के लाखों लोगों के लिए बड़ा सदमा है। इस दुख को कोई नहीं सह सकता। ये सब तब हुआ जब उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था, विशेष रूप से जब हम इतनी सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो उनका हमारे साथ ना होना सबसे बड़ा आघात है। अब सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि हम में से कोई भी दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो क्रोधित है। हमें दृढ़ता से सहन करना होगा। हमारे चारों ओर आने वाले सभी खतरों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प हमारे महान शिक्षक और हमारे महान नेता ने हमें जो आदेश दिया है, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। जैसा कि मेरा मानना है, उनकी आत्मा हमें देख रही है। हमेशा याद रखना है कि छोटी सी भी अपनी गलती उनकी आत्मा को बड़ा दर्द पहुंचा सकती है।